हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 7 त्रिभुज ही प्रमेय 7.8 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 7.8 कहती है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें? एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ए बी धन ए सी, ठीक है, ए बी धन ए सी किससे बड़ा होगा? बी सी से। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है? ए बी धन बी सी, ए बी धन बी सी ये किससे बड़ा होगा? ए सी से। तीसरी स्थिति हमारी क्या है? बी सी धन ए सी, बी सी धन ए सी किससे बड़ा होगा? ए बी से। ठीक है, तो हमें ये तीनों सिद्ध करने हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा होगा। प्रमेय 7.8 को सिद्ध करने के लिए पहले हम कुछ रचना करते हैं। त्रिभुज एबीसी हमें दे रखा है। अब हम बीए भुजा को बिंदु डी तक इस प्रकार खींचते हैं। बी ए भुजा जो आपकी काली वाली भुजा है, बी से लेके ए तक, इसको हम आगे खींचेंगे बिंदु डी तक। ये एक बिंदु डी लिया, तो बी ए भुजा को खींचेंगे हम डी तक। ठीक है, कि और डी बिंदु कैसे लेंगे कि ए डी बराबर ए सी हो। ठीक है, तो ए से डी तक खींचेंगे और ए डी और ए सी आपस में बराबर हो। ठीक है, तो बी ए भुजा को खींचा हमने डी तक और ए डी बराबर ए सी होना चाहिए। ठीक है, अब भुजा सी डी को जोड़ देंगे हम, सी और डी को हमने जोड़ दिया। ठीक है, और मान लेते हैं कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर एक्स। ये जो नीचे का कोण है ये हमने एक्स मान लिया, और कोण ए डी सी, कोण ए डी सी ये जो ऊपर वाला कोण है इसको हमने वाई मान लिया, कोण ए डी सी बराबर वाई, ये वाई ये हमने मान लिया है। उत्पत्ति, आइए अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, ए डी बराबर ए सी। ठीक है, ये कहां से? रचना से, ये हमने अभी रचना की थी, ए डी बराबर ए सी। ठीक है, ए डी और ए सी भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीसी, ये वाला जो त्रिभुज है ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं एडी और एसी। ठीक है, एडी और एसी भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में हमें पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? कोण एक्स और कोण वाई। तो हम कह सकते हैं कोण एक्स बराबर कोण वाई होगा। इसका कारण लिख देंगे, प्रमेय 7.2 हमने पढ़ी थी, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपने अगर हमारे प्रमेय 7.2 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, तो कोण एक्स बराबर कोण वाई हो गया। अब कोण बीसीडी, ये पूरा कोण बीसीडी, ये पूरा कोण किसके बराबर होगा? कोण एसीबी, कोण एसीबी ये नीचे वाला कोण, धन कोण एक्स ये ऊपर वाला कोण। ठीक है, तो कोण बीसीडी बराबर हो गया कोण एसीबी धन कोण एक्स, ये हो जाएगा। तो कोण बी सी डी बराबर हो गया कोण ए सी बी धन कोण वाई, क्योंकि कोण एक्स को हमने क्या रख दिया? कोण वाई, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला कोण एक्स बराबर कोण वाई है, तो कोण एक्स की जगह हम रख देंगे कोण वाई। ठीक है, कि कोण एक्स और कोण वाई बराबर है। तो अब आप देखिए बी सी डी बराबर है कोण वाई धन कुछ ए सी बी। ठीक है, तो दो कोणों का योग है कोण बी सी डी, तो ये कोण बी सी डी जो है कोण वाई से भी बड़ा होगा, कोण ए सी बी से भी बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कोण बी सी डी जो है कोण वाई से बड़ा होगा, क्योंकि कोण बी सी डी क्या है? कोण वाई और एक और कोण का योग, तो कोण बी सी डी जो है कोण वाई से बड़ा होगा। अब त्रिभुज बी सी डी में, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है बी से लेके सी से लेके ये डी तक, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इस बी सी डी त्रिभुज में देखिए कोण बी सी डी, ये वाला जो पूरा कोण कोण बी सी डी, ये कोण बड़ा है कोण वाई से, ऊपर वाले कोण से बड़ा है। ठीक है, तो बी डी बड़ा होगा बी सी से, बी डी भुजा बड़ी होगी भुजा बी सी से। क्यों? क्योंकि प्रमेय 7.7 ने हमने सिद्ध किया था त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा कोण कौन सा है? बी सी डी, बी सी डी की सम्मुख भुजा कौन सी है? बी डी, और छोटा कोण कौन सा है? कोण एक्स कोण वाई, और कोण वाई की सम्मुख भुजा कौन सी है? भुजा बी सी। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बी डी बड़ी होगी,
छोटे कोण के सामने की भुजा बीसी से, तो बीडी बड़ी होगी बीसी से। ठीक है, अब आप देखिए बीडी किससे मिलके बनी है, ए बी और ए डी से। तो बीडी बराबर हम लिख देंगे ए बी धन ए डी। ठीक है, और तो बीडी की जगह हम क्या लिख देंगे यहां पर, ए बी धन ए डी। तो हम कह सकते हैं ए बी धन ए डी बड़ा होगा बीसी से, क्योंकि बीडी की जगह हमने क्या रख दिया, ए बी धन ए डी। बीसी बीडी की जगह रख दिया हमने ए बी धन ए डी। ठीक है, अब ए डी बराबर ए सी है, ए डी बराबर ए सी है, ये हमने रचना में देखा था। ए डी हमने कितना लिया था, ए सी के बराबर लिया था। ठीक है, तो हम ए डी की जगह क्या रख देंगे, ए सी। तो हम ए डी की जगह रख देंगे ए सी, तो ये हो जाएगा ये रचना से लिया था। अब हो जाएगा ए बी धन ए डी की जगह क्या रख दिया, ए सी। किससे बड़ा है, बी सी से, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो जो पहली स्थिति थी उसको हमने सिद्ध कर दिया। तो इसी तर्क को दोहराते हुए हम बाकी स्थितियों को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं अपने परीक्षा में कि इसी तर्क को दोहराते हुए हम कह सकते हैं कि ए बी धन बी सी बड़ा होगा ए सी से, या फिर बी सी धन ए सी बड़ा होगा ए बी से, और जो अभी अभी हमने सिद्ध किया है ए बी धन ए सी बड़ा होगा बी सी से। ठीक है, तो तीनों स्थितियों को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इति सिद्धम। तो हम कह देंगे हमने अपनी प्रमेय को सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोज का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।